फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फोरन मॉल में। तो ये था उसका हम लोग का सरप्राइज, और हमारे भाई लोग अभी फोटो खिंचाने में थोड़ा सा बिजी है, तो हम लोग भी अब थोड़ा सा फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद चलेंगे अंदर मॉल का टूर करने। उम्मीद तो नहीं है कि अलाउ करेंगे अंदर रिकॉर्डिंग करने का, पर फिर भी देखते हैं क्या कैसा होता है। जितना हो सके उतना दिखाऊंगा, पर मज़ा ज़रूर आएगा। एंड तक बने रहिए। OMG, like guys, seriously, what is this place? एक्सेप्ट कह रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग और मुझे भी तैयार हो गया इस जगह से। क्या बोलते हो निखिल भाई? हाँ, सच में बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोगों को विजिट करना चाहिए। फैमिली लोग के साथ आओ, घूमो फिरो और मजे करो। तो क्या बोलते हो पापा? पापा, हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे इस मॉल के बारे में? मॉल तो अभी तक जस्ट घुसे है, अच्छा है, काफी अच्छा है। धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नए नए चीजों को। तो स्टार्टिंग तो लाइक सुपर। तो हम लोग अभी स्टार्ट फर्स्ट फ्लोर से करेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा और नया नया चीज देखने को मिलता है। हम लोग का मॉल का टूर खत्म हुआ, तो आइए पूछते हैं हमारे भाई से कितना मजा आया उनको, क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस कैसा था ये बताओ। एक्सपीरियंस बिल्कुल बेस्ट था। चलने में हालत इतनी खराब हो गई, बहुत खराब, बीच में हमारी लिफ्ट भी रुक गई थी, लिफ्ट का बटन भी दबाया तो लिफ्ट सेकंड फ्लोर में चली गई थी, पता नहीं क्या लिफ्ट है। देख रहे हो ये लोग ये मस्ती कर रहे हैं,
तो वही हमारे पप्पा भैया से पूछते हैं उनको कितना मजा आया। तो पप्पा भैया क्या बोलते हो, कितना मजा आया? मॉल तो काफ़ी बड़ा था, अच्छा खासा लगा, पर उन लोगों का एक बिजनेस माइंडेड था जो कि इसने नोटिस नहीं किया। मैंने नोटिस किया उनका बिजनेस माइंडेड ये था, उनको पता है कि उन लोगों ने मॉल इतना बड़ा बनाया इसलिए उन लोगों ने क्या किया, हर जगह बैठने की जगह बना दी ताकि मॉल लोग थक ना जाए। तो पूरा प्रॉपर बिजनेस माइंडेड है उन लोगों का। बाकी सब तो अच्छा, लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब्सक्राइब। और मैं एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर स्टॉल और जो खाने पीने वाला आइटम बहुत कम थे, सबसे ऊपर रखे हुए थे ताकि लोग नीचे घूमते घूमते थक जाए और तब जाके ऊपर आराम से बैठ के कुछ ऑर्डर करें। और ये मेरे को एक माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा लगा। ये भी लगा कि लाइक क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टॉल में बुक स्टॉल उतने थे नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो निखिल भाई कितना मजा आया आपको, क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि विजिट करिए इस प्लेस को, काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही मज़ा आएगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको देखने मिलेंगे। बस एक चीज़ कीजिए, बस घूमिए इंजॉय कीजिए, कुछ खरीदिए ना। 2000 का पेन खरीदने का मतलब, क्योंकि यहाँ पे 2000 का पेन है जिससे जिंदगी और मौत का फैसला होता है, वो जज के हाथ में जाता है। नहीं 2700 का, 2000 बहुत कम होता है। 2700 का पेन, 1500 का पेन, 3000 जितना पेन है, मतलब पेन क्यों रहे हो? जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, फैसला हो जाता है सीधा डायरेक्ट सीधा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। हाँ भूख तो लगी है, वैसे 3 बज गए हैं और भूख भी काफ़ी जोरों शोरों से लगी हुई है। तो ओम भाई क्या लगता है आपको, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ लेके जाए वहाँ चले जाएंगे, मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं हम फिलहाल के लिए खाना खा लेना, ये चाहते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, बस घूमते हुए जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं ये लोग कहाँ लेके जाता है।